प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वैल्यू एजुकेशन सेंटर नवाब का बेड़ा के तत्वावधान में शुक्रवार को GC1 CRPF में तनाव प्रबंधन पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में बीके शिल्पी बहन ने ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा कुमारी आशा ने कहा कि मनुष्य को 80% बीमारी मन की होती है और मन के में विचारों के कारण ही होती है। मन के विचारों का तन पर असर पड़ता है। मन एक शक्ति है, शरीर को चलाने वाली शक्ति का पार्ट है। इस शरीर को आत्मा द्वारा संचालन होता है। मन में जब नकारात्मक विचार पैदा होते हैं तो मन को अशांति होती है। मन को ही शांति चाहिए। समारोह के अंत में CRPF के डिप्टी कमांडर ब्रिजेश कुमार मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कमांडेंट भरत कुमार वैष्णव, डिप्टी कमांडर अर्जुन सिंह, ब्रिजेश कुमार मीणा, NK शर्मा एवं डॉक्टर राम सिंह उपस्थित थे। वो सब आपको ही कर करनी। मेरी सारी समस्याओं का हल आपने ही करना है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से विशेष आज यहाँ पर CRPF में किस प्रकार हम अपने मन को सशक्त बना सकते हैं, पॉजिटिव थिंक कैसे रख सकते हैं और उसके लिए किस प्रकार हम अपने अंदर की जागृति को ला सकते हैं, इस पर बहुत सुंदर सेमिनार हुआ है। बहुत सुंदर टॉपिक था। जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के तनाव आते हैं, उन तनाव से कैसे मुक्त होना है। सिचुएशंस आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी हम अपने मनोबल को कैसे बढ़ाकर रख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन के आधार से आज बहुत सुंदर यहाँ पर टॉपिक पर क्लास हुई है और सभी जो भी जवान थे सभी ने बहुत इसको एंजॉय किया है और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत सुंदर, जिसको कहेंगे अपने मन से ही प्रतिज्ञा ली है। प्रैक्टिकली मेडिटेशन भी कराया गया। तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से यहाँ पर जो आयोजन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।